नमस्कार, आपका स्वागत है रेसिपी विद गीता में। आज मैं बनाने वाली हूँ छठ पूजा के जो प्रसाद होते हैं आटे की, जिसे बोलते हैं ठेकुआ, वो आज हम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, हमने आटे ले ली है, करीब ये 1 किलो है आटे। अब इसमें हम थोड़ी सी तेल डालेंगे ताकि ये खस्ता हो सके। देखिए, इसमें हम तेल डालेंगे। अब ये 1 कटोरी हम डाले हैं इसमें तेल। इसमें हमें इतना तेल डालना है ताकि ये मुट्ठी बंधा जाए। आपके पास आपका मन चाह घी भी डाल सकते हैं। इसमें घी ना हो तो ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 कटोरी से तेल डाली है, रिफाइंड ऑयल। इसमें आप थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिए, करीब 1/2 चम्मच, और ड्राई फ्रूट डाल दीजिए इसमें, करीब ये 5-6 हैं, कट करके हमने डाला है, और काजू है 5-6 कट के डाला है अपना। इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, अपना मनचाहा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें आप अपने हिसाब से, जो आपको पसंद लगे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसको सारे को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमें इतना इसमें तेल डालना है, देखिए लड्डू बंधा आ जाए इस तरीके से। अब देखिए, इतना हमें तेल या घी डालने हैं ताकि ये लड्डू ऐसे बन सके, इतना हमें डालने हैं इसमें। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमने इस कटोरी से 1 कटोरी चीनी ली थी, जिसमें इतना मैं रखने वाली हूँ, इतना नहीं डालने वाली हूँ, ज्यादा है इतना। अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और धीरे धीरे अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। एक डो तैयार कर लेंगे, सान लेंगे इसे हम। देखिए, हमें इसे पूरा गीला नहीं सानना है, थोड़ा टाइट ही सानना है इसे हमें अच्छी तरीके से। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट ना हो तो नहीं भी डाल सकते, ऐसे भी अच्छा लगने वाला है, ये ऐसे भी अच्छा लगता है। रोटी से थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। देखिए, जो रोटी हम का आटा जो हम सानते हैं उससे थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है। अब इसे हम इस तरीके से इतने लेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से इसको ऐसे ऐसे गोल करेंगे। बिना सांचे के भी बना सकते हैं इसे, मैं आपको सांचे से भी बना के दिखाऊंगी। अगर सांचा ना हो तो इसे हाथ से भी ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से। सारे को ऐसे इस तरीके से देखिए गोल गोल कर लेंगे और रखेंगे, फिर से उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। छान देखिए, हमने 4 बना लिए हैं, बिना सांचे के गोल गोल बना लिए हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना सांचे का भी। देखिए, ये सांचा है, अब इस पे हम बनाएंगे। इसमें हम एक गोला करेंगे इसे। अब इस पे हम सांचे पे थोड़ी सी ऑयल लगा लेंगे, चाहे घी लगा लेंगे इस तरीके से, और इस पे हम इस तरीके से दबाएंगे और ऐसे ऐसे चारों तरफ से दबाते हुए गोल करते हुए दबाएंगे। और देखिए, इस तरीके से बन जाएगी ये। ये बन चुकी है, अब हम लंबी वाली बना के दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे लंबे करेंगे, इस पे रखेंगे, इसे भी दबाएंगे इस तरीके से, लंबे करते हुए दबाएंगे इस तरीके से, लंबा। देखिए, लंबा कर देंगे इस पे इस तरीके से। ऐसे तो ये लंबा अभी बनती नहीं है, ये छठ में ही बनती है, इसलिए हम आपको एक ही ये बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये बनती नहीं है ऐसे बिल्कुल छठ में, इस केवल ये बनती है। ये देखिए, फिर इसे हम निकालेंगे इस तरीके से। देखिए, लंबे ये आकार की बन जाएगी।
उसी प्रोसेस पे आएंगे, छोटे से नींबू आकार के लेंगे और इसे हम दबाते हुए गोलाकार में दबाते जाएंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा सांचे पर का ये ठेकुआ। ये देखिए कितने अच्छे इस पर डिजाइन आई है, देख सकते हैं आप। ये देखिए हमने सांचे से चार ये गोल वाली बना ली है सांचे से और एक लंबी वाली बना ली है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सांचे पर बना लेंगे सारे। मैं तो हाथ से ही बनाने वाली हूँ सारा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से सारे बना लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले। शेयर कीजिए किसी के साथ जिनको नहीं बनाने आता है वो, ताकि देख करके इससे बना सके। देखिए हमने सारे ये बना ली है, अब हम इसे तलेंगे। इस पर हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे। अब इसे हम गर्म होने देंगे, फुल आंच कर देंगे, गैस को पूरा एकदम फुल हाई कर देंगे। देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल को डालेंगे। हमने तेल डाल दिया, देखिए पूरी जितना कि ये तलने भर मैंने इसमें तेल डाल दी है। अब तेल को गर्म होने देंगे। देखिए हमारा तेल पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। इसमें हम एक एक इस तरीके से डाल देंगे सारे को, जितना कढ़ाई में आ सके उतना हम डालेंगे इसमें। देखिए हमने डाल दी है, अब इसे हम मीडियम आंच पे इसे हम तलेंगे। इसे मीडियम आंच पे इसलिए तलेंगे ताकि पूरा अंदर तक ये पूरी अच्छी तरह से पक सके। अगर हम फुल आंच पे इसे हम तलेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, पक जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम इसे मीडियम आंच पे अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसे 5-10 मिनट तक ऐसे पकते तलने देंगे इसे, उसके बाद हम पलटेंगे। देखिए 5-10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम इस तरीके से पलटेंगे। ये देखिए हल्की सी ब्राउन हो गई है नीचे, इस तरीके से अब हम पलट देंगे सारे को और फिर हम इसे तलेंगे 10-15 मिनट। फिर इसे हम तलेंगे अच्छी तरीके से मीडियम आंच पे ही। देखिए 5-10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम फिर से थोड़ी सी पलट लेंगे। अब इसे हम थोड़ी सी और तलेंगे 4 मिनट के लिए। देखिए पूरी अच्छी तरीके से ये तल चुकी है, अब हम इन्हें निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छे से पक चुका है ये, अब ये बिल्कुल खस्ता होगा ये हमारा। सारे को इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर हम दोबारा इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। फिर से हम इसमें जितना आ सके कढ़ाई में उतना हम फिर से डाल देंगे और मीडियम आंच पे ही इसे भी हम तलेंगे। देखिए हमने सारे डाल दिए, सेम उसी प्रोसेस है, अब इसे मीडियम आंच पे तलेंगे। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भी तल चुका है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए ये सारे निकाल लेंगे हम इस तरीके से, फिर सेम प्रोसेस फिर वही दोहराएंगे, सारे तलेंगे अच्छी तरह से मीडियम आंच पे। हम इसको पलट पलट कर दोनों तरफ से तलेंगे अच्छे तरह से, दोनों तरफ पलट के पकाया जाता है ये। इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ पलट के आप भी तलिए। देखिए हमने पूरी अच्छी तरह से पलट कर इसे हमने पका ली है, अब ये पूरी तरह अच्छी तरह से तल चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए हमने सबने निकाल ली है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमने सारे इसे तल ली है, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से खस्ता बनी हुई है, मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट है ये, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भी पक चुका है,
और ये कितनी सॉफ्ट मुलायम खस्ता है ये ठेकुआ। आप भी घर में बनाइए, देखिए कितनी अच्छी बना है। आप भी घर में ट्राई कीजिए, बनाइए, आप भी बनाइए और खाइए। इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसा लगा, और बताइए हमें कि मैं क्या बनाऊं, और किसी के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो देख करके अपना बना सके घर में।